26 सितंबर यानी आज का दिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय विचार के अनुसार मानव स्वास्थ्य का पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य के संबंध अपरिवर्तनीय संबंध के रूप में है। इसकी पृष्ठभूमि 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा यह मनाया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ पर्यावरण के स्वास्थ्य के संरक्षण और उसमें सुधार हेतु ज्ञान के विकास और प्रसार के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसकी थीम उस समय रखी गई थी सतत विकास लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें मजबूती प्रदान करना। इसके पीछे महत्व है कोविड-19। कोविड-19 जैसी बीमारी से पूरे देश मिलकर एक साथ लड़े। वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत 18.9 की मामूली स्कोर के साथ 180 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। वियतनाम 78वें स्थान पर है और बांग्लादेश 177वें। यहां तक कि पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। इसके संबंधित कुछ पहलू भी है, जैसे कि कुछ योजनाएं भी बनाई गई है, जैसे कि नगर वन उद्यान योजना। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य पर्यावरण समायोजित करने के लिए नगर निगम या श्रेणी एक के शहरों जहां पर 200 से अधिक संख्या वाले प्रत्येक शहर है और कम से कम एक शहरी वहां पर वन विकसित करना होगा। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी NWCP। इस पहल की शुरुआत देश में आर्द्र भूमि संरक्षण और उपयोग के लिए की गई थी। हरित कौशल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने युवाओं के बीच पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु जून 2017 में हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। मृदा बचाओ आंदोलन विश्व पर्यावरण दिवस 2022 पर प्रधानमंत्री ने मृदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यह पहल मृदा को रसायन मुक्त बनाने यानी केमिकल ना हो उसमें, मिट्टी में रहने वाले जीवों को बचाने, जो मिट्टी में जीव होते हैं, केंचुआ, जिससे मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें उस मिट्टी में आपको केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मृदा की नमी बनाए रखने, जल की उपलब्धता बढ़ाने, जंगलों की कमी के कारण मृदा के निरंतर क्षरण को रोकने पर केंद्रित है। भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है और 2070 तक शुद्ध शून्य